शहजादी उर्फ फिरोजा खान इस समय खूब सुर्खियों में बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से खानजादी का कहना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसका शो के कंटेस्टेंट्स मजाक बना रहे हैं। वह कई बार अपनी बीमारी को लेकर बिलक बिलक कर रोती नजर आई है। वहीं अब खानजादी के स्पोर्ट में एक्ट्रेस रिधि डोगरा आई और उनकी बीमारी पर अपना रिएक्शन दिया। रिधि ने खानजादी को लेकर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, अगर आपको लगता है कि कोई फेक दिख रहा है, लेकिन फिर भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को बीच में आने दो, कुछ तो है जो उसे परेशान कर रहा है। भले ये बात किसी और को समझ ना आई, लेकिन खानजादी और उसके डॉक्टर को जरूर समझ आएगी। मैंने कलर्स टीवी की कुछ क्लिप्स देखी, जिसे देख ऐसा लगा कि व्यक्ति किसी चीज से लड़ रहा है। वहीं रिधि के इस ट्वीट पर यूजर्स के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। कुछ उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ उनके खिलाफ भी हैं। खानजादी पिछले दिनों अपनी बीमारी को लेकर बात करने पर काफी इमोशनल होती नजर आई है, जिस वजह से उनकी सलमान खान संग बहस भी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने वीकेंड का वार छोड़ खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और खूब रोई थी। इसके बाद खानजादी ने शो से जाने का भी फैसला लिया था। बता दें, खानजादी असम की एक मशहूर रैपर और मॉडल है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनके पिता अफगानिस्तान के रहने वाले हैं, जबकि माँ इंडियन है। फिरोजा को बचपन से ही गाने लिखने का शौक था। स्कूलिंग के बाद वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई भाग आई थी। उन्हें पॉपुलैरिटी एमटीवी शो हसल 2.0 से मिली थी, जहां उन्होंने अपने गानों और रैप से जजेस को इम्प्रेस कर दिया था। वह लेबनानी मॉडल जैद हबीबी की गर्लफ्रेंड भी रही है। जी हाँ, जैद हबीबी वही है जो बिग बॉस के पूर्व प्रतियोगी रह चुके हैं। भाई, उनके हैंडसम बॉयफ्रेंड ने भी बिग बॉस OTT सीजन 2 में काफी सनसनी फैलाई थी। रियल लाइफ में जैद हबीबी फिरोजा खान के बॉयफ्रेंड थे, लेकिन कहा जा रहा है कि अब वो दोनों अलग हैं। फिरोजा खान का एक YouTube चैनल भी है, जहां वह अक्सर अपने रैपिंग के वीडियो पोस्ट करती रहती है। आपको बिग बॉस के सीजन में खानजादी की गेम कैसे लग रही है बताना ना भूले। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।